जब आप कोई ऐसा वीडियो देख रहे हो जो आपको बहुत अच्छा लगता हो, उसके बीच में ब्रेक। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। पटना में तेजस्वी यादव के समर्थकों को रोका गया, घर के बाहर समर्थकों का हुजूम जुटा। विधायकों के साथ गोपालगंज जाने से रोके गए तेजस्वी यादव, ट्रिपल मर्डर मामले में जा रहे थे गोपालगंज। तेजस्वी यादव के साथ मां राबड़ी देवी मौजूद, पुलिस ने सभी को आगे बढ़ने से रोका। आरजेडी कार्यकर्ताओं पर लॉकडाउन तोड़ने का आरोप, जेडीयू विधायकों की गिरफ्तारी चाहती है आरजेडी। दिल्ली के मानसरोवर में कोरोना से जंग जीतने वालों ने कोरोना वॉरियर्स का किया सम्मान, बरसाए फूल। दिल्ली गुड़गांव बॉर्डर पर सुबह सुबह लगा जाम, प्रशासन ने सील किया है बॉर्डर। दिल्ली गुड़गांव बॉर्डर पर पुलिस सिर्फ पास और जरूरी सेवाओं को ही दे रही है एंट्री, वाहनों की भीड़। बदरपुर बॉर्डर सील होने से करीब एक किलोमीटर लंबा जाम लगा, परेशान दिखे लोग। कोरोना के बढ़ते मरीजों के मद्देनजर दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर भी सील, सुबह जाम के दिखे हालात। राजस्थान में सरकार ने शुरू की मोक्ष कलश बस सेवा, लॉकडाउन में मृतक परिजनों का अस्थि विसर्जन नहीं कर पाने वालों के लिए हरिद्वार रवाना हुई बस। देश में कोरोना का कहर जारी, 24 घंटे में 4,700 से ज्यादा मामले, कुल आंकड़ा 1,65,000 के पार। देश में 24 घंटे में कोरोना से 175 लोगों की गई जान, अब तक कोरोना से 4,000 से ज्यादा मौत। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 2,190 नए मामले, 57,000 के करीब पहुंचा आंकड़ा। तमिलनाडु में कोरोना के 817 नए मामले, अब तक 18,500 से ज्यादा लोगों में वायरस का संक्रमण। दिल्ली में अब तक 16,000 से ज्यादा कोरोना के मामले, पिछले 24 घंटे में 1,000 से ज्यादा नए मरीज। पुलवामा में इस्तेमाल की गई कार के मालिक की पहचान हिदायतुल्लाह नाम के शख्स की है गाड़ी। पुंछ से 250 प्रवासी मजदूरों को लेकर निकली बस, प्रशासन की तरफ से मुफ्त इंतजाम। अलीगढ़ में सीएए विरोधी प्रदर्शन के मामले में छात्र नेता फरहान जुबैरी गिरफ्तार, भेजा गया जेल। बुलंदशहर में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कराने और होम्योपैथिक की दवा बांटने गई आयुष टीम से बदसलूकी, आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज। राजस्थान के दौसा में बीजेपी सांसद जसकौर मीणा के लापता होने के लगे पोस्टर, वापस आने पर 21,000 और पता बताने वाले को 11,000 के इनाम का ऐलान। वंदे भारत फ्लाइट से मैंगलुरु लौटी गर्भवती महिला को सोसाइटी के लोगों ने नहीं दी प्लान जाने की इजाजत, बच्चे की मौत। टिहरी में स्वदेश लौटने की मांग को लेकर सड़क पर उतरे मजदूर, प्रशासन ने इंतजाम कर भेजा। इंदौर में दवाइयों के गोदाम में लगी आग, लाखों का माल जलकर खाक। असम के धुबरी में बाढ़ जैसे हालात, बारिश के बाद ढह गया मकान। उड़ीसा के खोरदा में तेज हवाओं के साथ बारिश, कई जगह उड़े पेड़। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।